2021 में इंडिया में टोटल ट्री कवर लॉस 133 किलो हेक्टेयर हुआ, जो कि हमारे टोटल फॉरेस्ट कवर का 0.34% था। 2022 में यह आंकड़ा 123 किलो हेक्टेयर हो गया और 2023 में यह लॉस 21 हेक्टेयर इंक्रीज होकर 144 किलो हेक्टेयर हो गया। द हिंदू ब्यूरो के अकॉर्डिंग भारत में पिछले 30 सालों के अंदर पूरे फॉरेस्ट कवर का 6,68,400 हेक्टेयर एरिया साफ हो चुका है। भारत जो कि पिछले कुछ सालों से द फास्टेस्ट ग्रोइंग और डेवलपिंग नेशन कहा जा रहा है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे पेड़ों की पूजा की जाती है। हमारे वेदों और पुराणों में ट्रीज को द ओरिजिन ऑफ लाइफ कहा गया है। तो आज आखिर क्यों डिफॉरेस्टेशन के टर्म्स में भारत पूरे वर्ल्ड में सेकेंड पोजिशन पे है? काफी आर्टिकल्स और रिपोर्ट पढ़ने के बाद मुझे यह पता चला कि इस डिफॉरेस्टेशन के पीछे भी हमारे देश की बेहतरीन पॉलिटिक्स का ही हाथ है। और इसी पॉलिटिक्स की वजह से 1,70,000 हेक्टेयर में छत्तीसगढ़ का हसदेव आरण्य फॉरेस्ट आज खत्म होने के कगार पर है। हमारे देश में ऐसी खबरें तो तेजी से फैल जाती है कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में मुकेश अंबानी ने कितने करोड़ खर्च किए, लेकिन वही किसी हसदेव के जंगलों में से 98,000 से ऊपर पेड़ों को कोयले की लालच में काटा जा चुका है। यह खबर तो वहाँ के ट्राइबल लोगों की चीख और आंसुओं में ही दबा दी जाती है। ये प्रकृतिक जो है हम लोगों का बहुत पहले से हमारे पूर्वजों से ये लगा हुआ पैतृक संपत्ति है और ये पैतृक संपत्ति आज विश्व को ये ऑक्सीजन दे रही है। और हमें पता तक नहीं चलता कि इतने पेड़ों को काट कर हमारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के नाम पर कौन सा विकास कर रही है। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के लीडर आलोक शुक्ला के अकॉर्डिंग इस पूरी कहानी का नायक सिर्फ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं है, बल्कि एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड भी है। पर कैसे, यह जानने से पहले हम यह समझते हैं कि हसदेव आरण्य फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस क्या है और उसकी डिप्लीशन हिस्ट्री क्या रही है। हसदेव आरण्य फॉरेस्ट सेंट्रल इंडिया का एक लार्जेस्ट डाइवर्स और डेंस फॉरेस्ट है। यह जंगल छत्तीसगढ़ के 3 डिस्ट्रिक्ट सूरजपुर, सरगुजा और कोरबा के अंडर एक्सटेंडेड है। इस जंगल का नाम हसदेव इसीलिए रखा गया क्योंकि इस जंगल से महानदी रिवर की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी हसदेव नदी बहती है। यह जंगल न सिर्फ 10,000 गोंड ओरांग जैसे ट्राइबल लोगों का घर है, बल्कि यह जंगल 82 प्रकार की पक्षियों, 167 वेराइटी ऑफ वेजिटेशन, 18 टाइप्स ऑफ बटरफ्लाइज और हाथी बाघ जैसे कई जानवरों का भी घर है। इस फॉरेस्ट के नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ की लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज का 60-70% एनुअल इनकम का भी स्रोत है। लेकिन यहाँ आज लगातार इलीगल कोयले की खनन होने की वजह से यहाँ की आदिवासी जनजाति, वनस्पति और जंगली जीवों का अस्तित्व आज खतरे में है। हसदेव क्षेत्र को आप किसी प्रकार से उजाड़े तो हम आदिवासी हैं यहाँ, उसमें मरेंगे ऐसी बात नहीं है। जो बड़े बड़े शहर है उसमें पहले तबाही आएगी जी। इसलिए यहाँ के लोग 13 सालों से अपनी जन जंगल और जमीन को बचाने के लिए अडानी ग्रुप के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब इस फॉरेस्ट का जियोफिजिकल सर्वे किया गया तब ये पता चला कि इस पूरे जंगल के नीचे टोटल 23 कोल ब्लॉक्स है, जिसे हसदेव आरण्य कोल फील्ड भी कहा जाता है। ये पूरा कोल फील्ड 1880 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। इस पूरे एरिया में मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा ये प्रूव किया गया है कि टोटल 1.5 बिलियन टन ऑफ कोल रिजर्व्ड है और अप्रोक्स 5 बिलियन टन ऑफ कोल रिजर्व एस्टिमेट किया गया है। तो सवाल यहाँ हजारों करोड़ के मुनाफे का है। पहली बार 2009 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने हसदेव फॉरेस्ट को रिच बायोडाइवर्सिटी होने की वजह से माइनिंग के लिए नो गो जोन एरिया डिक्लेयर किया था, लेकिन 2011 में उस समय के एनवायरनमेंट मिनिस्टर जयराम रमेश, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता थे, उन्होंने सरगुजा डिस्ट्रिक्ट के पारसा ईस्ट और कैंते बसन इन दोनों कोल ब्लॉक्स को यह कहकर राजस्थान की एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कंपनी को माइनिंग करने का इजाजत दे दिया कि PEKB कोल फील्ड्स जंगल के किनारे पर लाई करती है, जिससे जंगल और हसदेव रिवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इन्होंने 2 फेजेस में माइनिंग करवाने का प्रपोजल रखा, जिसके अकॉर्डिंग पहले फेज में तो PEKB के 772 हेक्टेयर एरिया को माइनिंग के लिए क्लियर करवाना था और दूसरे फेज में 1136 हेक्टेयर को। इस खदान से तो अभी कोयला गया नहीं है, ये ब्लॉक है, अभी खदान नहीं हुए तो गांव है, इस गांव के नीचे का कोयला नहीं निकला। जिस कोल ब्लॉक से कोयला निकला ही नहीं अभी तक, उसका कोयला संकट राजस्थान में कैसे हो गया? उसके बाद 13 अप्रैल 2013 को अडानी इंटरप्राइजेस ने यह अनाउंस किया कि राजस्थान की इस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली कंपनी को अलॉटेड PEKB कोल फील्ड को अब अडानी की सब्सिडियरी मैसवार ऑपरेट किया जाएगा और इस ज्वाइंट वेंचर में 74% ऑनरशिप होने की वजह से अडानी ग्रुप के हाथों कोल रिजर्व का 550 मिलियन टन का एक्सेस चला गया। इसके अलावा कोल को वॉश करने के बाद जो कोल रिजेक्ट होती है उसे भी बेचने की अनुमति उन्हें मिल गई और यहीं से अडानी ग्रुप ने
अपना बैंक भरना शुरू किया, क्योंकि कंपनी ने ये कहा प्रथम चरण में जो 140 मिलियन टन कोयला निकालना था आज दिनांक तक 82 मिलियन टन कोयला निकला है, बाकी का 58 से 60 मिलियन टन कोयला कहाँ है, कंपनी ने कह दिया है कोयला खत्म हो गया। अच्छा, इस सवाल को ना राजस्थान सरकार पूछ रही है, ना छत्तीसगढ़ सरकार पूछ रही, ना केंद्र पूछ रही। जब मैंने scroll.in की रिपोर्ट पढ़ी तो मुझे पता चला कोल फील्ड से रेलवे के थ्रू 15 मिलियन टन बोथ वॉश्ड और रिजेक्टेड कोल को ट्रांसपोर्ट किया गया, और वही 2.6 मिलियन टन कोल रायपुर में अडानी के एक एनर्जी पावर प्लांट को सप्लाई किया गया। छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने तो पीई के भी कोल फील्ड को राजस्थान की इस कंपनी को लोकल पब्लिक को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए सौंपा था, लेकिन इस पूरे कोल माइनिंग से बेनिफिट केवल अडानी पावर प्लांट को हो रही थी, जो कि सिर्फ अपना ही प्रॉफिट देख रही थी। नहीं है, ये संकट जो है अडानी के मुनाफे का सवाल है। 2018 में कालवा मैगजीन ने एक रिपोर्ट की थी, कालवा मैगजीन ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि जो पलसा ईस्ट केतेवासन कोल ब्लॉक है जो अडानी कंपनी से राजस्थान कोयला ले रहा है वो प्रति टन 275 से लेके 400 रुपए अतिरिक्त भुगतान कर रहा है। सरगुजा डिस्ट्रिक्ट के लोकल्स का कहना है कि अडानी इंटरप्राइजेज ने उन्हें जॉब देने के वादे पर उनकी जमीनें अपने अंडर ली हुई थी, उन्हें कंपनसेशन के नाम पर गार्ड की नौकरी दी जा रही थी और उनसे मजदूरी करवाई जा रही थी, जिससे उनका घर भी नहीं चल पा रहा था। 2014 में एनजीटी और ग्राम सभा के द्वारा माइनिंग को सस्पेंड करवाने के पीछे न सिर्फ फर्स्ट फेज ऑफ माइनिंग में पीई के भी कोल फील्ड का खत्म होना था, बल्कि माइनिंग से हो रहे वहाँ के लोकल्स की प्रॉब्लम भी एक बहुत बड़ा रीजन था। जल जंगल जमीन कट जाती है तो हम आदिवासियों को जो संस्कृति है, परंपरा है, हमारा देवी देवता है, हमारा जल जंगल नदी नाला सारे चीज खत्म हो जाएगा, क्यों ना हमारा जान चला जाए लेकिन हम जमीन नहीं देंगे। हमारे संविधान में लैंड और फॉरेस्ट को कंकरेंट लिस्ट में डाला गया है, इसका मतलब है कि जितने भी लैंड और फॉरेस्ट से रिलेटेड डिसीजंस हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी ले सकती है, और बिना स्टेट गवर्नमेंट के अनुमति से सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी माइनिंग नहीं करवा सकती, और स्टेट गवर्नमेंट भी तभी माइनिंग को अप्रूव कर सकती है जब वहाँ की ग्राम सभा और फॉरेस्ट कम्युनिटी दोनों मंजूरी दे दे। आज तक सुप्रीम कोर्ट में यह मैटर पेंडिंग होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी के नेता और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने एक फर्जी ग्राम सभा की अनुमति से 6 अप्रैल 2022 को पीई के भी कोल फील्ड का एक्सटेंशन पारसा कोल ब्लॉक जो कि सरगोजा और सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है, वहाँ फेज टू माइनिंग के लिए अडानी ग्रुप को 41 हेक्टेयर में फैले लगभग 2.5 लाख पेड़ को क्लियर करवाने का अप्रूवल दे दिया। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि लार्ज स्केल में स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे आदिवासी लोगों का सेंट्रल गवर्नमेंट से माइनिंग को रोकने के लिए अपील करने के बाद भी आखिर क्यों बीजेपी की गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो हसदेव की ग्राम सभाओं ने, क्योंकि ये पांचवी अनुसूचित इलाका है, ग्राम सभाओं के पास ये तमाम अधिकार सुरक्षित हैं कि वो नहीं चाहेंगे तो कोई परियोजना नहीं हो सकती। हसदेव की 20 ग्राम सभाओं ने 2014 में ये प्रस्ताव किए कि हम किसी भी खनन की अनुमति नहीं देंगे, ना ही हम चाहेंगे खनन हो, इसीलिए आप किसी कोल ब्लॉक का आवंटन मत करिए। जब पहले ही ग्राम सभाओं ने बोल दिया कि हम खनन की इजाजत नहीं देंगे तो फिर आपने कोल ब्लॉक के आवंटन क्यों किए? जबकि 2023 में जब छत्तीसगढ़ के लोगों ने सीएम के पद से भूपेश बघेल को हटाकर बीजेपी के विष्णु दियो साई को सीएम बनाया, तब भी पेड़ों की कटाई पर कोई अंकुश नहीं लगाया गया, और नवंबर 2023 को 41 हेक्टेयर के अलावा 93 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया को कोल माइनिंग के लिए क्लियर करने की मंजूरी कंपनी को दे दी गई। एक तरफ तो हमारे देश में चुनाव के समय जनता से बड़ी बड़ी बातें करके नेता कुर्सी पर बैठ जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब उसे निभाने की बारी आती है तो विकास के नाम पर वे सिर्फ अपना फायदा देखकर काम करते हैं। आपके मुख्यमंत्री के बारे में कहा जाता है 30% कक्का, आपका काम पक्का। यहाँ के आदिवासियों का सरकार से एक बहुत बड़ा सवाल है कि कोयले से तुम हमें बिजली तो दे दोगे, लेकिन अगर जंगल ही नहीं रहा तो तुम हमें ऑक्सीजन कहाँ से दोगे? टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में इंडिया कार्बन इमिशन के मामले में 3rd नंबर पे है। CO2 इमिशन के इस बढ़ते हुए ग्राफ को देखने के बाद भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करने की जगह हमारे देश की सरकार कोयले से क्यों बिजली उत्पादन करना चाहती है? खुद हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने UK में होस्टेड 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में अनाउंस किया था कि 2030 तक भारत 1 बिलियन टन कार्बन इमिशन को रिड्यूस करेगा। उन्होंने यह भी कहा था कि भारत में 2070 तक नेट जीरो इमिशन होगा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। इसके
अलावा 50% एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से रिप्लेस की जाएगी। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं उसके हिसाब से सारे वादे तो झूठ साबित हो रहे हैं। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या सच में नरेंद्र मोदी अपना वादा निभा रहे हैं? और छत्तीसगढ़ की जनता को अब किस पार्टी पे भरोसा करना चाहिए ताकि उनकी जल जंगल और जमीन बच जाए? आई होप यू लाइक माई वीडियो। अंटिल देन कीप स्प्रेडिंग नॉलेज। धन्यवाद।